नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आज के इस वीडियो में पूरे लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे इंटर रखें, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं और या फिर फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा है कि गूगल कुड नॉट वेरीफाई यू, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है आज के इस वीडियो में पूरे लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे पास ये प्रॉब्लम कैसे आया और मैं इसका सोल्यूशन कैसे किया। सबसे पहले बता दूं कि मैंने एक फ़ोन लिया था Redmi K20, ठीक है। इस फ़ोन को लेने के बाद Poco X2 को रीसेट कर दिया था और रीसेट करने के बाद ये हुआ कि जो भी मेरा डाटा था वो लॉस्ट हो गया। फिर मैंने JK सिंह वाले ईमेल से लॉगिन करना चाहा तो लॉगिन नहीं हो रहा था, और लॉगिन मैं जब भी करता था तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखता था, गूगल कुड नॉट वेरीफाई यू। ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा था इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। जब आप में रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड हो और रिकवरी ईमेल नो ऐड हो तब आपको ऐसा केस देखने को मिलेगा। तो मेरे में भी सेम प्रॉब्लम था कि रिकवरी ईमेल जो है वह ऐड नहीं था, रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिला। और मुझे ये बहुत दिन तक फेस करने को मिला, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं एक नया चैनल बना लिया, ठीक है। और नया चैनल जो था वह टेकजी करके है, आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। मेरा पुराना चैनल JK सिंह था और नया चैनल मैंने बना लिया टेकजी करके, ठीक है। और ये टेकजी मेरा ही चैनल है और इस पर मैंने कंटिन्यू काम करना शुरू किया और ये भी चैनल काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब से वो लॉस्ट हुआ तब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया और ये पूरा जो भी क्राइटेरिया होता है मोनेटाइजेशन का वो सारा इसमें पुड़ गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दा पर चलते हैं कि मैंने अपने जीमेल अकाउंट को कैसे रिकवर करवाया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसका पासवर्ड भी भूल गया था और रिकवरी ईमेल भी ऐड नहीं था, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं कुछ दिन ट्राई किया और ट्राई करने के बाद जब हमेशा इसी प्रकार का इंटरफेस दिख रहा था तो मैंने इस पर एक्टिविटी करना छोड़ दिया, मतलब लॉगिन वगैरह या फिर ट्राई करने की कोशिश छोड़ दिया। इसके आगे क्या होता है ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने इसे लॉगिन वगैरह करना छोड़ दिया और उसके बाद मैंने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया और उसी पर कंटिन्यू काम करना शुरू किया, ठीक है। वो भी काफ़ी अच्छा खासा चल गया। उसके बाद मैंने YouTube पे ढूंढा कि कोई तो ऐसा बंदा होगा जो मेरा हेल्प कर सकता है, तो मैंने ढूंढा और मुझे एक मिला बंटी टेक नाम का एक चैनल मिला और इनको मैंने अपना प्रॉब्लम बताया और इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सुना और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे ट्रीटमेंट किया। जो भी चीज़ था मैंने उनको बताया और वो भी मुझे कुछ स्टेप बताया जिसको मैंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद वो लगातार मेरे अकाउंट के ऊपर वर्क करते रहे। दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे अकाउंट पर वर्क किया और वर्क करने के बाद मेरे जो भी प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करने के बाद इन्होंने मेरे अकाउंट के ऊपर 4 बार ट्राई किया और इसमें से 3 बार अनसक्सेसफुल रहा और एक आखिरी बार में मुझे ये चीज़ें मिला। और ये चीज़ें मिलने के बाद मुझे क्या मिला आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर जो सेक्शन मिला आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जो अकाउंट का पासवर्ड वगैरह भूल चुका था उसके लिए मुझे यहाँ पर सारा चीज़ किया गया। और ये करने के बाद मुझे यहाँ पर एक ईमेल आया, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड करने का यहाँ पर एक ईमेल आया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने मेरे अकाउंट पर काफ़ी अच्छा वर्क किया और वर्क करने के बाद मुझे यहाँ पर एक लेआउट आया जहाँ पर मुझे देखने को मिला कि मुझे रीसेट पासवर्ड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे सूरज भाई ने काफ़ी इस तरीके से हेल्प किया और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि ये अकाउंट कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा। अगर रिकवर नहीं होता है तो मैं कभी ना कभी तो रिकवर कर ही लूँगा, लेकिन तब तक मैं टेकजी पर वर्क करते रहा और टेकजी पर वर्क करते करते दोनों चैनल अब मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये वो दिन है जहाँ पर मुझे दोनों चैनल अपने पास आ गया। सूरज भाई काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प किया, मैं इन दोनों को काफ़ी थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से लेआउट आ गया। अगर आपको भी कुछ इस प्रकार का इशू आता है कि आपसे लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर फॉरगेट पासवर्ड हो रहा है और आपको किसी प्रकार के जीमेल अकाउंट से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बंटी टेक चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर उनसे आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मेरे से जो हो पाया मैंने आपको बता दिया, मुझे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प किया और मेरा जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सुना, मुझे जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसका सारा सोल्यूशन उन्होंने बताया और उनका इस मामले में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो और बाकी जो भी मैंने बताया वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में यही बताने वाला था, दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और बाकी जो भी चीज़ था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बस आज की इस वीडियो में यही बताने वाला था, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई सुझाव लेना है फिर देना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा ID मिलेगा, वहाँ से आप हमसे हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।